स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी एट योर होम एंड एंजॉइंग योर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल। टुडे आई सुरभि गिरोटी, योर साइंस टीचर, वेलकम यू ऑल इन अवर स्कूल चैनल सिम्स ऑफिशियल। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लोकोमोशन एंड द मूवमेंट इन एनिमल्स, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू हाउ डू स्नेक्स मूव। हम दूसरे एनिमल से कंटिन्यू करेंगे, स्नेक्स। हैव यू सीन अ स्नेक स्लाइडर? क्या आपने स्नेक को स्लाइडर होते हुए देखा है, उसका मूवमेंट देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या ये स्ट्रेट मूव करता है? देखिए, स्ट्रेट तो मूव नहीं करता है ना। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक की कैसी बैकबोन होती है? एक लॉन्ग बैकबोन होती है। दे हैव मेनी थिन मसल्स। इनमें बहुत छोटी छोटी मसल्स भी होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर सो फार फ्रॉम वन अनदर। जबकि एक दूसरे से दूर होती हैं, ठीक है, इसकी मसल्स क्या होती हैं, आपस में अटैच नहीं होती हैं, थोड़ी थोड़ी दूर होती हैं, बट फिर भी आपस में कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। इनकी जो मसल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड रहती हैं बैकबोन से, रिब्स से, स्किन से, ठीक है। द स्नेक्स बॉडी कर्व इन टू मेनी लूप्स। देखो कितने सारे लूप्स बन रहे हैं इसमें, एक लूप ये बना, एक लूप ये बना, एक लूप ये बना। इसी टाइप से इसकी बॉडी, स्नेक की बॉडी मूव करती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। हर लूप जो है, जितने भी लूप बनेंगे, ठीक है, ये किस तरफ मूव करने में इसको हेल्प करेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ इसको, इसकी बॉडी को पुश करेंगे। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। इनकी जो लॉन्ग बॉडी है, ठीक है, लॉन्ग बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे लूप्स बन जाते हैं और हर लूप इनको क्या करता है, आगे की तरफ पुश करने में बहुत हेल्प करता है। इसी तरह से स्नेक फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत फास्ट मूव कर पाते हैं, बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। देखिए, हमने सबने स्टडी कर लिया मसल का और बोन का क्या यूज होता है डिफरेंट एनिमल्स में मूवमेंट करने के लिए। पहली एंड बूजो हैव मेनी क्वेश्चन इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स। पहली और बूजो के पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, कि एनिमल्स में मूवमेंट किस टाइप से होता है, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट, डिफरेंट एनिमल डिफरेंट मूवमेंट शो करते हैं। सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड्स। क्या आपको आपकी जो माइंड में जो बहुत सारे क्वेश्चन अराइजेज हो रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे आपके माइंड में, क्या आपको उनसे अनआंसर्ड हैं? क्या आपको उन सबके बारे में आंसर मिल गया है? द एशियन ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन। एक अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, उन्होंने अपनी बुक एक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल्स, उसमें उन्होंने अपने आप से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। वाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल टू मूव द वे दे डू। कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स ऐसे क्यों होते हैं कि जो उन्हें हेल्प करते हैं मूव करने में, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल। डिफरेंट एनिमल्स के जो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ये मूवमेंट करते हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए एनिमल्स में क्या डिफरेंट उन्हें बॉडी पार्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो लेग से चलते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने ब्रिस्टल से मूव करते हैं, है ना। वाई टू लेग्स फॉर ह्यूमंस एंड फोर फॉर काउज एंड बफेलोज। क्यों ऐसा होता है कि ह्यूमंस जो है वो अपने टू लेग्स से मूवमेंट करते हैं और जो काउज और बफेलोज हैं वो फोर लेग से मूवमेंट करती हैं? मेनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स। वाई? बहुत सारे एनिमल्स होते हैं कि जिनमें बहुत सारे नंबर्स, लेग्स के नंबर्स होते हैं चलने के लिए, ऐसा क्यों होता है? वाई इज द बेंडिंग ऑफ अवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अवर आर्म्स। हमारा जो लेग्स है वो डिफरेंट मूवमेंट में बेंड करता है और हमारी जो आर्म्स है वो डिफरेंट मूवमेंट, डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड करती हैं। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू अवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस थे और शायद आपको कुछ एक्टिविटीज़ इस चैप्टर में जो आपने करी और उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे, है ना। एंड वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर, और हमें कुछ और भी आंसर्स जानने की नीड है। थैंक यू।